तो किसी ने ट्राई किया था इसकी जो एक्सरसाइज थी उसको करने की? सर एक्सरसाइज तो नहीं देखी, लेकिन सर आपने वीकेंड पे क्विज देना था ना। नहीं, हमारी तो इस तरह की कोई कमिटमेंट नहीं होती वैसे। तो राइट, या कोई हुई थी इस तरह की कमिटमेंट कोई आज? सर मैम हुमा कह रही थी कि यानी कि क्विज होगा या इस किस्म से कुछ होगा। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो कर लेंगे नेक्स्ट वीक वीकेंड से, नो इशू। सर मैं तो एग्री हूँ। और बाकी पार्टिसिपेंट्स? सर ले लें, ठीक है। सही है, चलें। वैसे आज के लिए हम फिर इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं। और आज़ब, आपने कुछ प्रिपेयर किया था वो ये जो ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स हैं इनके वाले से? सर एक्चुअली मेरे फाइनल पेपर हो रहे हैं तो काफ़ी टाइम नहीं दे सकता, तो ये जो सेशन लेता हूँ सिर्फ मैं इसी में, यानी कि जो सीखता हूँ अच्छा, वो सीखा। एक्चुअली मुझे भी यही प्रॉब्लम हुआ कि मैं भी इस वीकेंड पे थोड़ी कमिटमेंट्स थी तो मैं भी प्रॉपरली इसको टाइम नहीं दे पाया। तो खैर, इसकी एक्सरसाइज को देख लेते हैं फिर, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस तो हमने कर ली हुई है कि हम एक्सरसाइज या उसको कर सकते हैं। स्क्रीन नज़र आ रही है मेरी? ओ सॉरी, मैंने भी शेयर ही नहीं किया। ओके, अभी स्क्रीन नजर आ रही है ना मेरी? जी सर, शो हो रही है। सर ओके, गुड। तो हमारे पास ये इसकी प्रैक्टिस एक्सरसाइज है, क्वांटिटेटिव वाला जो पार्ट था उसकी। और उसमें फिर हमने हमें पता है कि इसमें हमारे पास जो आंसर्स है वो चार होते हैं। क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, ए एंड बी आर इक्वल, और चौथा ऑप्शन होता है इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन विच क्वांटिटी इज ग्रेटर। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, के 197 प्लस 398 प्लस 586, इस पे कौन सा टैक्स? पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि टैक्स कौन सा लगेगा इसके ऊपर। हाँ जी, सर इसमें ऑप्शन डी जो होगा वो लैमिनेट होगा ना, यानी कि पहले तीन में से कोई ना कोई लाजमी होगा। हाँ जी, पहले तीन में से कोई ना कोई लाजमी होगा और ऑप्शन डी जो है वो इलिमिनेट होगा। क्यों? क्योंकि फिक्स्ड क्वांटिटीज हैं, ठीक है। मतलब जो टैक्टिस 6 है, एक वो अप्लाई हो गया, उसके बाद मतलब, या व्हेन टू अवॉइड डी, ऑप्शन डी वाला जो टैक्टिस था वो इलिमिनेट हो गया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद कौन सा टैक्टिस इसके ऊपर लगाएंगे? अब हमारे पास ए बी एंड सी वाली चॉइस है जी। एनी आइडिया, एनी गेस? सर इसका आपने कहा था कैलकुलेटर यूज करो। यहाँ पे हमें कुछ और भी नजर आ रहा सर वो यानी कि इंडिविजुअल एंटिटीज को देखें तो 197203 से भी छोटा है, 398405 से भी छोटा है, और 586607 से भी छोटा है, तो बी क्वांटिटी ऑब्वियसली बड़ी होगी हर है, अंदाजे ऑब्वियसली में। बड़ी हो रही है। कैसे हमें पता चला? हमने टैक्टिस 5 लगाया कि जस्ट कंपेयर डोंट कैलकुलेट, ठीक है। हम देख रहे हैं कि ये क्वांटिटीज जो है तीनों की तीनों, ये तीनों इस इनसे क्वांटिटी बी से छोटी है, तो ऑब्वियसली क्वांटिटी बी ग्रेटर है, तो ऑप्शन हमारे पास बी आ जाएगा। क्लियर होगी बात? इस तरह दूसरा क्वेश्चन है ये इस पे, ठीक है, कि 10x और क्वांटिटी बी है 10 ओवर x, और x की वैल्यू है कि इज इट शुड बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये ऑलवेज है, एक्स की वैल्यू हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो हमारे पास यहाँ पे एक एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेनी है। तो हमने एक चीज देखी थी कि जहाँ पे हम सिर्फ पॉजिटिव नंबर के साथ प्ले करते, ठीक है, जहाँ पे हम क्या करते थे हमेशा
पॉजिटिव नंबर के साथ प्ले करते थे, वो क्या थी कि हम दोनों इनक्वालिटीज को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, माइनस, प्लस, ठीक है, ये या बेसिक ऑपरेशन जो है मैथ के वो सारे परफॉर्म कर सकते हैं, बट विद पॉजिटिव नंबर इनक्वालिटी के दोनों या दोनों क्वांटिटीज के साथ, सिर्फ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा ए है वो सॉरी एक्स या वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि उसने हमें कंडीशन बता दी हुई है एक्स हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो हम इसको भी और इसको भी एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वांटिटी ए बन जाएगी हमारे पास 10x² और दूसरी बन जाएगी 10 क्वांटिटी बी, सही है। इधर x मल्टीप्लाई होके x² हो गया, इधर x मल्टीप्लाई हुआ तो x के साथ x या वो क्रॉस हो गया, और ये हमारे पास क्वांटिटी बी 10 बच गया और क्वांटिटी ए जो हमारे पास 10x² हो गया, सही होगी बात। अब इसमें से बताएं कि कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। सर क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी। कैसे? उसके साथ सारी बी फिक्स्ड है ना, 10 है, तो क्वांटिटी बी के साथ हम किसी वैल्यू को, ठीक है। एक मिनट तुबा, आप बताएं कैसे आएगा ये। सर क्वांटिटी बी अब फिक्स है ना, 10 है सिंपल, और क्वांटिटी ए में एक्स का स्केयर है, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 कोई भी नंबर लेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे वो ग्रेटर ही ग्रेटर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। लेकिन एक नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करना, तो ये दोनों बराबर रहेंगी। आसिफ आप बताएं डी कैसे होगा। सर अगर 10 के साथ अगर मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं फिर तो 10 आ जाता है, दोनों इक्वल आ जाते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए और कौन सा लेमिनेट कर दिया मैंने, ऑप्शन ए और एक और कोई ऑप्शन अगर इक्वल आ रहे हैं दोनों, ए और बी दोनों के। अब मैं 0.1 लेता हूं एक्स की वैल्यू, तो 0.1 का स्क्वायर लूंगा तो वो 0.001 हो जाएगा, और 10 को उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास 1 से भी कुछ नीचे नंबर आता है, तो उस केस में क्वांटिटी बी बड़ी हो जाएगी, इस वजह से ऑप्शन डी आएगा। समझ आ गई तू आपको इस बात की? जी सर। ठीक है, अगर हम नंबर लेते हैं 0.1, अगर मतलब 1 लिया, ठीक है, हमने 1 का स्केयर लिया तो वो 10 ही हमारे पास आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए 10 और 10, सी ऑप्शन आ गया हमारे पास, ए और बी जो है हमारे एलिमिनेट हो गए, ठीक है। अब दूसरा केस देखते हैं 0.1 वाला, उसको जब स्केयर लेंगे, उसको जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.1 बन जाएगा, ठीक है, तो क्वांटिटी ए छोटी होगी, ठीक है। हमने वो बात पहले लेक्चर में से माइंड में रखनी है कि हमने अपने पास से कोई कंडीशन इम्पोज नहीं करनी है। उसने कहा कि ग्रेटर देन जीरो होगा, हमने एग्जैक्टली इंटीजर नहीं लेना, हम फ्लोटिंग वैल्यू भी ले सकते हैं, 0.1111111 ये वैल्यू भी ले सकते हैं, ठीक है, 0.000001 ये भी ले सकते हैं, क्लियर होगी ये बात। ऑप्शन जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, ठीक है। अभी आ जाइए क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, के द टाइम दैट इट टेक्स टू टाइप 7 पेजेस एट अ रेट ऑफ 6 पेजेस पर आवर। अच्छा, ये जो हमने वो किया नहीं था किलोमीटर वाला, 35 किलोमीटर जो है वो 40 किलोमीटर पर माइल के हिसाब से चलना है, और 40 किलोमीटर जो है वो 35 किलोमीटर पर माइल के हिसाब से चलना है, वो जो क्वेश्चन था ना उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि कितना टाइम लगता है 7 पेजेस को टाइप करने पे, कि हम 1 घंटे के अंदर अगर 6 पेजेस टाइप कर सकें तो 7 पेज टाइप करने में कितना टाइम लगेगा, और 6 पेज जो है वो टाइप करने में कितना टाइम लगेगा अगर हमारी स्पीड 7 पेजेस पर आवर होगी, ठीक है। तो हमें कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें वो एग्जैक्ट टाइम कैलकुलेट नहीं करना, टी को हमने कैलकुलेट नहीं करना, हमने सिर्फ ये देखना है कि क्वांटिटी बड़ी कौन सी होगी कंपेयर करके। अरे बड़ी होगी कैसे? सर देखिए, वो 7 पेज टाइप करने हैं, अगर 6 पेजेस पर आवर के उस हिसाब से करता है तो 1 घंटे में 6 पेजेस तो कर लेगा, लेकिन 1 पेज रहता होगा तो 1 घंटा उसे
और लगेगा। क्वांटिटी बी के अंदर उसने 6 पेज टाइप करने और 7 पेजेस के, यानी कि 1 घंटे से पहले वो काम पूरा कर लेगा। एग्जैक्टली बिल्कुल, क्वांटिटी ए जो है वो ग्रेटर होगी यहाँ पे। क्लियर होगी ये बात बाकी पार्टिसिपेंट्स को? जी सर जी। सईद अशरफ और हुसैन नए पार्टिसिपेंट्स हैं, आपको समझ आ रही है इस चीज़ की? जी सर समझ आ गई। ठीक है, आपको जीआर के क्वेश्चंस का आइडिया है कि किस तरह का होता है, उसके क्या ऑप्शंस होते हैं या वो सारा कुछ? सर ज्यादा आइडिया नहीं है लेकिन ये समझ आ गया है, ये वाला क्वेश्चन क्वेश्चन 3। ओके, ये ऊपर क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है, क्वेश्चन ए, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी, ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा और इसके नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं ए बी सी और डी। ए का मतलब है कि इन दोनों में से क्वांटिटी ए ग्रेटर है और बी का मतलब है, बी ऑप्शन जो है इसका मतलब है क्वांटिटी बी ग्रेटर है, सी ऑप्शन जो है इसका मतलब है क्वांटिटी ए एंड बी आर इक्वल, ठीक है, और डी का मतलब है कि हम ये डिटरमिन नहीं कर सकते, हम नहीं बता सकते कि क्वांटिटी ए ग्रेटर है या क्वांटिटी बी ग्रेटर है, ठीक है? जी सर समझ आ गया। तो इस तरह हम चल रहे हैं, आगे क्वेश्चन आ गया सी डी इज लेस देन जीरो, के सी और डी जो है वो हमेशा लेस देन जीरो होगा, तो मतलब सी और डी की वैल्यू जो हमेशा नेगेटिव में होगी, ठीक है। क्वांटिटी ए हमारे पास है सी प्लस डी होल स्केयर और सी स्केयर प्लस डी स्केयर, तो यहाँ पे कोई आइडिया कि इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? कोई गैस? सर क्वांटिटी बी इसमें बड़ी होगी। लाइक किस तरह? सर देखें ये जो फॉर्मूला एक्सपेंड करें ये सी प्लस डी का स्क्वायर, तो ये बनते हैं नेगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, बिल्कुल सी डी। ओके, तो ये दोनों क्वांटिटीज नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में ऐड हो जाएंगी, यानी कि सी स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा और डी स्क्वायर का जो आंसर आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके अंदर से हम उनको मल्टीप्लाई करने से भी आंसर हमारे पास पॉजिटिव आएगा। यस सर क्वांटिटी ए बड़ी होगी इसका। आप सही बता के गलत कर गए हो, किस चीज को एक्सपेंड करके गलत कर गए? नहीं सर ये देखें ये 2CD आ जाएगा ना, अगर सी और डी दोनों नेगेटिव हैं तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो जाएगा और ये सी स्क्वायर इसका भी आंसर पॉजिटिव आ रहा है। नहीं नहीं, यहां पे देखिए सी और डी की कलेक्टिव जो है ना क्वांटिटी वो नेगेटिव होगी, प्रोडक्ट नेगेटिव है उनका, प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव है। ओके फिर सर गदर ये सर माइनस टू ए बी हो जाएगा, तो वो इसके अंदर सी प्लस डी स्क्वायर में माइनस टू ए बी नहीं है, तो यहाँ पे माइनस नहीं होगा, मतलब माइनस अगर यहाँ पे आ जाए तो सी प्लस डी इसका डी के अंदर से जो मतलब बल्कि नहीं वो तो इस तरह माइनस नहीं होगा, अगर इसकी टोटल क्वांटिटी जो है वो साथ में कांस्टेंट आ जाएगी नेगेटिव हो जाएगा ये, ठीक है यार। इसको करने का हमने जो टेक्टिस पढ़ा हुआ है ना उसको अगर थोड़ा सा देखें तो उसमें वो क्या कहता है कि इसको अगर एक्सपेंड करें सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस 2CD, ठीक है, अब देखें क्वांटिटी ए के अंदर हमारे पास ये चीज आ रही है, क्वांटिटी बी के अंदर हमारे पास आ रहा है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, कोई चीज कॉमन बन रही है? यस, ये वाली और ये वाली कॉमन बन रही है, ठीक है, तो हम दोनों साइडों से इसको मतलब क्रॉस कर सकते हैं अगर डिवाइड कर दें या मतलब माइनस कर दें, ठीक है, तो पीछे हमारे पास क्वांटिटी ए में बच जाएगा 2CD और इधर बच जाएगा 0 अगर हम टैक्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएं तो अब हमें पता है कि CD जो है वो हमेशा नेगेटिव है, तो वो नेगेटिव में जाएगा, तो जो बाकी वैल्यू है वो भी नेगेटिव हो जाएगी, बट इधर तो 0 पड़ा है, ठीक है, और ये दोनों बराबर भी नहीं हो सकते। क्यों बराबर नहीं हो सकते? क्योंकि सी और डी का स्पेसिफिकली उन्होंने कहा हुआ कि लेस देन 0, इसको सी डी को हम 0 भी नहीं रख सकते, तो ये दोनों वैल्यूज कभी बराबर भी नहीं हो सकती, तो सी और डी तो गया, पीछे ए भी रह गया, तो ए बी में हमें ऑब्वियस बात है कि जब नेगेटिव नंबर यहाँ पे प्लग इन करेंगे तो हमारे पास ये वाली बी वाली वैल्यूज है वो हमेशा छोटी होती चली जाएगी, ए वाली वैल्यू सॉरी छोटी होती चली जाएगी और बी वाली स्टिल 0 पे जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगी,
ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा बी, क्वांटिटी बी इज ग्रेटर। सर यानी कि ये ऐसे कॉम्प्रिहेंशन के अंदर काफी मसला हो जाता है, जिस तरह मैंने सी और डी दोनों को जीरो समझ लिया, नेगेटिव समझ लिया था। हाँ, ये चीज प्रैक्टिस से होगी कवर। ठीक है, जब वो पीछे क्वेश्चन ही आया था ए स्केयर और माइनस ए स्केयर, तो मैंने उस वक्त उसका सी ऑप्शन लिया था कि दोनों इक्वल होंगे, मुझे ताकि ये माइनस जाना वो इसके अंदर ही होगा। लेकिन जब मैंने एक्सप्लेनेशन पढ़ी तो उसने कहा कि अगर माइनस आपने अंदर हो ना बुक के अंदर जहां पे भी, वो इस तरह होगा, ब्रैकेट्स लग के ऊपर स्केयर लगा होगा, इसमें आप माइनस या वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव क्लियर होगी बात। और ये जब आप बुक को रीड करेंगे या एक्सपीरियंस करेंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, तब होगा। ओके आसिफ, ये अब आपके टाइप का क्वेश्चन आ गया। ए बी एंड सी आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ आइसोसेलस ट्राइंगल ए बी सी, और एक्स वाई जी जो है ये राइट ट्राइंगल है। ठीक है, तो एवरेज जो है वो ए बी सी की ज्यादा होगी या एक्स वाई जी की ज्यादा होगी। हाँ जी, किसी को आइडिया है कि आइसोसेलेस जो है वो क्या होती है और कैसे होती सर आइसोसेलेस जो ट्राइंगल होती है सर, उसकी दो साइड्स इक्वल होती है। है? सही हो गया। लेट्स सपोज ये तो सर राइट ये राइट ट्रायंगल, एंगल है, सर ये राइट है। इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेते हैं, थोड़ा सा ऐसे कर, हम सपोज कर लेते हैं कि ये साइड और ये वाली साइड जो है वो बराबर है। सर ये जो बनाई है ये आइसोसेलेस का है। ठीक हो गया, सही है, थैंक यू फॉर द करेक्शन। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि इसमें हमारे पास जो दो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ये एक्स है और ये भी एक्स है। ठीक है, तो अब इसके एनी गेस के कौन सा बड़ा होगा, सर फिर इसको एक्सप्लेनेशन में सर देखो। एक्सप्लेनेशन में सर मेरे ध्यान में ये आ रहा है ना, ए बी सी एंगल्स हैं वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के, तो एंगल्स इसके ये वाले बनेंगे, तो लेट सपोज के जो लॉन्गेस्ट साइड्स हैं उनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। लेट सपोज ए और बी आपका जो है वो बड़ी साइड्स हैं, उनके एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। बाकी जो हेलो, तीसरा एंगल होगा वो मम्मी 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 ये कॉल आ रही है। आजब आपका माइक म्यूट है। तो सर ये ए और बी जो होंगे ये एंगल फर्ज करेंगे ये लॉन्गेस्ट साइड के हैं, तो ये एंगल आपस में ए और बी तो इक्वल हैं, लेकिन अगर ये बात करें इसके ट्रायंगल की तो इसके अंदर मेरे ख्याल से तो इक्वल आना चाहिए। इसमें हाँ मेरे माइंड में वैसे अगर डायग्राम के यस साथ देखें सर, तो फिर यही बन रहा है। यस सर ठीक, देखें वैसे भी एक जनरल है ना कि यानी कि अगर आपके पास ट्राइंगल के इंटरनल सारे एंगल 180 के होते हैं, तो 180 को डिवाइड करें 3 से, तो वो यानी कि एवरेज तो सारों की सेम आएगी ना। सेम बिल्कुल, ये भी अप्रोच जो है वो भी बेहतरीन है, यस सर सही है सी ऑप्शन मेरे ख्याल से। ये ऑप्शन। चलें इसको, ये क्वेश्चन नंबर 5 को हमने गेस किया, बट हम इसको उसमें देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन के अंदर जाके नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद। सही है जी, अब इस क्वेश्चन को आजिब के अलावा कोई और जो है वो परफॉर्म करेंगे, बताएं जी बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं। जी, तुबा लारेब हुसैन, सर क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी। क्वांटिटी ए ग्रेटर होगी, किस तरह, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। सर अगर हम बी से डिवाइड कर दें दोनों साइड्स पे, तो क्वांटिटी ए हमारे पास 6 हो जाएगी और क्वांटिटी बी बी की पावर 7 हो जाएगी, तो
नेगेटिव यानी कि पावर ऑड है तो वो हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा। अच्छा सही है, अगर ये 6 हो जाए और ये b b की पावर 5 हो जाए तो ये 6 हो जाएगा और b इज ऑलवेज लेस देन 5। b की कौन सी वैल्यू प्लग इन करें जल्दी बताएं। माइनस वन या कोई भी, माइनस वन। तो माइनस वन करने से क्या आंसर आएगा इसका? माइनस वन आएगा। ठीक है, तो क्वांटिटी कौन सी बड़ी होगी? क्वांटिटी ए। ठीक है, इसमें से एक रिजल्ट हमारे पास आ गया क्वांटिटी ए। एलिमिनेट कौन सा हो गया? बी और सी। ठीक है, इसके अलावा कोई और वैल्यू बताएं जो पॉसिबिलिटी हो के पॉजिटिव में आ सकता है। जी आसिफ, सर ये आपने एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं सर, यानी कि वो बी से आपने डिवाइड क्यों किया इसे? मतलब इनपुट ऐसा आया ना, तुबा की जो एक्सप्लेनेशन थी वो इस किस्म की थी। सर मेरे ख्याल से तो मैं किसी को एलिमिनेट नहीं करूंगा, अगर बी की वैल्यू माइनस वन लेता हूँ तो माइनस सिक्स आ जाएगा और ये वाला बी रेज टू पावर सिक्स जो होगा ये पॉजिटिव उसे कर देगा, ये वन हो जाएगा। अगर बी की वैल्यू मैं लेता हूँ, जी एक मिनट, एक बात मैं क्लियर कर दूँ, ये क्वेश्चन क्लियर हो जाना है तुबा को। आपको क्लियर है ना आज़िब? सर ठीक है, तुबा हमने देखा था कि हमने कभी भी नेगेटिव नंबर को प्लस माइनस डिवाइड दोनों साइडों पे नहीं करना, और बी क्या है? नेगेटिव नंबर, क्योंकि उसने बताया होगा कि बी इज लेस देन जीरो। ओके सर क्लियर है, क्लियर हो गया। अब इसके अंदर पुट करवाएं वैल्यू, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, कौन सी क्वांटिटी बड़ी होगी? सर क्वांटिटी बी। बी जी आज़िब, आपको भी? यस सर। सर अगर इसके अंदर माइनस पुट करते हैं, माइनस जीरो पॉइंट जीरो और माइनस वन के दरमियान में कौन सा नंबर आता है? माइनस जीरो पॉइंट जीरो वन आता है ना, तो अगर जीरो पॉइंट जीरो तो वो हमारे पास ये वाली क्वांटिटी बी को छोटा करेगा और इससे और छोटा कर देगा, लेकिन पॉजिटिव कर देगा, जिसकी वजह से क्वांटिटी बी बड़ी रहेगी। हाँ, क्वांटिटी बी को पॉजिटिव कर देगा और ये नेगेटिव हो जाएगी, तो वो मजीद छोटा भी हो जाएगा ये वाला, तो क्वांटिटी बी इज ऑलवेज ग्रेटर इन दिस केस। जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7777। ये हम सही कर रहे हैं, यानी कि इसके आंसर की आप देख रहे हैं साथ में? नहीं मैं तो नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हमारे जो टेक्टिस लग रहे हैं वो तो परफेक्ट है। चलें इसको देख भी लेते हैं। फर्स्ट को क्या निकाला था? क्वांटिटी बी। हाँ अब तो ठीक है, दूसरा भी बी था हमारा, तीसरा भी हमने बी निकाला था और फोर्थ वाला बी निकाला था। सॉरी 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 सॉरी, अब ना डी, और इसमें बी था सर, ए निकाला था। हाँ 7 pages 6 pages पर आवर ठीक हो गया, और इसमें 4 में बी निकाला था इसमें। बी हाँ सही हो, इसमें सी तुम्हारा पांचवे में, हाँ पांचवे में सी था। इसकी एक्सप्लेनेशन भी हमने देखनी है पांचवे की, जरा याद रखिएगा। उसके बाद 6 वाला जो था इसमें भी हमने क्वांटिटी बी को ग्रेटर निकाला है, तो क्वांटिटी बी इज ग्रेटर। ठीक, ये अच्छा किया कि हमने साथ साथ देख लें इसको। आगे 7 आ गए जी हमारे पास क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज 17 एंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 35। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। जी कौन करवाएगा? आज़िब आप कह रहे हैं, लारेब या तुबा में से, या इकरा खान, इकरान खान सॉरी सॉरी। सर मैंने तो अभी क्लास ज्वाइन की है, फर्स्ट डे है मेरा। अच्छा, इन दोनों में से बता दें कि
रेडियस सर्कल जो है उसका रेडियस 17 है, ठीक है, ये डायग्राम मैं बना देता हूँ, ये 17 है, ठीक है, और ये एक सर्कल, सॉरी मैंने उल्टी साइड पे बना दी है, ये एक सर्कल है सर। क्वेश्चन क्या है वैसे, क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन ये है, क्वांटिटी, दो क्वांटिटीज दी हुई है, ठीक है, चले आज अब आप बना दो। दो क्वांटिटीज दी हुई है, ठीक है, जिसमें एक क्वांटिटी में वो कह रहा है कि एक सर्कल है और जिसका रेडियस 17 है, और क्वांटिटी बी है जिसका एरिया ऑफ सर्कल मतलब जिसका डायामीटर 35 है। हमने बताना है कि इनमें से किस सर्कल का एरिया जो है वो ग्रेटर होगा। सर क्वांटिटी बी का। कैसे सर? डायामीटर 35 है, अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास 17.5 आएगा आई थिंक। हाँ जी, डायामीटर जो है वो है हमारे पास 35, जब इसके 2 पे डिवाइड करेंगे तो 17.5 आ रहा है, तो जब इसको पाई के साथ पुट करेंगे, पाई और स्क्वायर एरिया का जो है वो फार्मूला होता है सर्कल के एरिया का, तो पाई 3.14 और 17 का स्क्वायर करेंगे तो वो ग्रेटर होगा 7, सिंपल 17 प्लग इन करने से। ठीक है इकरान, ये हमारे पास क्वेश्चन होते हैं कि क्वेश्चन दिया होता है इस तरह, क्वांटिटी ए और क्वांटिटी बी, और ये नीचे 3 ऑप्शंस होते हैं, 4 सॉरी जी सर, जिसमें से हमने बताना होता है क्वांटिटी, ऑप्शन ए है, बी है, सी है या डी है। ए क्या है कि क्वांटिटी ए इज ग्रेटर, और बी है क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, और सी है क्वांटिटीज ए एंड बी आर इक्वल, और ऑप्शन डी है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन विच क्वांटिटी इज ग्रेटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बताना होता है कि क्वांटिटी ए ग्रेटर है, बी ग्रेटर है, दोनों इक्वल है, या मुश्किल है बताना या पॉसिबल नहीं है बताना कि दोनों में से कौन इक्वल है। ठीक है, अब पाई आर स्क्वायर एरिया का फॉर्मूला है सर्कल के एरिया का, एक के अंदर हम 17 को प्लग करते हैं आर की जगह पे, और एक को पुट करते हैं 17.5, तो दोनों में से ऑब्वियस बात है कि क्वांटिटी बी जो है वो ग्रेटर होगी, कि इसका जो ऐसा सर्कल जिसका डायामीटर 35 हो उसका एरिया ग्रेटर होगा, किसकी निस्बत? एक ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 17 हो। क्लियर होगी बात? जी सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइन के गोज थ्रू 1 एंड 5 2, लाइन एम इज परपेंडिकुलर टू के। ठीक है, एक हमारे पास 2D प्लेन है, उसमें जो हमारे पास एक लाइन है वो इस तरह गुजर रही है के लाइक वो 1 से लेके 5 2 यहाँ पे जा रही है। ठीक है, इस तरह करके गुजर रही है लाइन के, और जो लाइन M इज परपेंडिकुलर टू के, कि M के ऊपर जो K के ऊपर जो M है वो परपेंडिकुलर है इस तरह करके, तो स्लोप जो है वो किस क्वांटिटी का ग्रेटर होगा, स्लोप ऑफ लाइन के और स्लोप ऑफ लाइन एम। आजिब, आपको इस स्लोप का कोई कॉन्सेप्ट वगैरह है क्लियर? मुझे लाइंस के स्लोप है ना उनमें थोड़ा प्रॉब्लम है जी। जैसे अगर स्ट्रेट लाइन है ना आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर मैं लाइन एक ड्रॉ करूं, हां जी, तो ये जो लाइन है ना इसका स्लोप जीरो है, ठीक है, अब इसके परपेंडिकुलर जो ये जो लाइन है इसका स्लोप इनफाइनाइट है, अब इसके दरमियान से जैसे ही जीरो से आप थोड़ी सी लाइन ये इधर लगाएंगे तो उसका स्लोप कोई फाइनाइट होगा और उसका एक फार्मूला उससे निकलेगा। सही, और लेकिन हमने जो फाइंड करना है वो इस लाइन के ऊपर जो परपेंडिकुलर है उसको फाइंड करना है, मतलब उसका भी हमने स्लोप देखना है, इसका भी और इसका भी। जैसे स्लोप को थोड़ा और देखते हैं ना, कि ये देखें ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया है ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है और इसका स्लोप कॉन्स्टेंट है, यानी क्या है, 1 है, ठीक है, ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया इसका स्लोप 1 है, और ये जो लाइन मैं ड्रॉ करने लगा मैं ये वाली, इसका स्लोप -1 है। सही, ओके,
अब उन्होंने क्वेश्चन जो किया है वो इस तरह से है कि आपने स्लोप बताना है, लेकिन ये जो लाइन ड्रॉ की गई है ये थोड़ी सी लेट रही है ना, यानी कि लेटी हुई लाइन है, तो इसका स्लोप जो होगा उस लाइन से कम होगा जो कि परपेंडिकुलर है लाइन, तो इस परपेंडिकुलर केस के अंदर जो स्लोप ऑफ लाइन एम है वो ज़्यादा होगा, बी ऑप्शन मेरे ख्याल से होगा। यानी कि अगर देखें तो ये 0.1 यहाँ पे बनता है और 5 4 2, ये बिल्कुल लाइन कुछ इस तरह से बनती है, यानी कि एक्स एक्स वाई एक्सिस के ऊपर बिल्कुल एक यूनिट का डिफरेंस है इस एक यूनिट का तरह डिफरेंस है बिल्कुल का। तो इस तरह मेरे ख्याल से बी होगा। बी। और किसी के माइंड में कोई डिस्कशन हो इससे रिलेटेड? 8 को देख लेते हैं, 8 इज ए। चलिए इसकी भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नीचे जाके ना, उसको फिर हम कर लेते हैं। ओके, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 6 बिटवीन 100 एंड एक्स प्लस 10, एक्स प्लस 100, और द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 9 बिटवीन 100 एंड एक्स प्लस 100, के 100 से लेके एक्स प्लस 100 तक 6 के मल्टीपल्स और 9 के मल्टीपल्स कितने कितने होंगे और इनमें से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर होगी? ठीक है, ये चीज अब हमने चेक करनी है बेसिकली। तो हमने कैलकुलेशन नहीं करनी, हमने बताना है कि कौन कौन सा नंबर ज्यादा होगा, क्वांटिटी ए बड़ी होगी या क्वांटिटी बी बड़ी होगी। तो यहाँ पे हमें अब नजर आ रहा है कि यार अब हम क्या करेंगे, कोई हम 100 से ऑनवर्ड एक्स की कोई वैल्यू रख लेते हैं, ठीक है, और इधर से भी हम दूसरी वाली क्वांटिटी क्वांटिटी बी के अंदर भी हम एक्स की कोई वैल्यू, मतलब एक्स की वैल्यू दोनों में ऑलमोस्ट सेम होगी क्योंकि एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर, उसने अब उसने शर्त लगा दी पॉजिटिव इंटीजर है, हम इसमें फ्लोटिंग पॉइंट या नेगेटिव फ्लोटिंग पॉइंट नहीं ले सकते, ठीक है, हमने पॉजिटिव इंटीजर ही लेना है ऑलवेज। अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है कि हमने कौन कौन सी वैल्यूज प्लग इन करनी है। जी कोई बताएगा कौन कौन सी वैल्यूज प्लग इन करनी है इसके अंदर टेस्ट करने के लिए? सर 0 1 जीरो, 1 0 और -1, ठीक है। अगर हम 1 को प्लग करें तो क्वांटिटी ए को हमने देखना है 100 से लेके 101 तक, ठीक है, और क्वांटिटी बी को देखना है 100 से लेके 101 तक, ठीक होगी बात, समझ आई इस बात की? तो आप देखें दोनों के अंदर एक भी मल्टीपल नहीं है, ठीक है, दोनों के अंदर एक भी मल्टीपल नहीं है, ना 6 का कोई मल्टीपल है ना इस रेंज में कोई 9 का मल्टीपल है। अगर हम एक्स की वैल्यू, हमने वहां पे देखा था कि ओकेजनली हमें बड़ा नंबर भी लेना पड़ता है, हम 10 या 100 भी लेके देख सकते हैं, ठीक है, 100 से लेके अगर इसके अंदर 100 एक्स की वैल्यू 100 रखें तो ये 100 से लेके 200 तक बन जाएगा, ठीक है, और इसकी भी अगर 100 रखें तो ये 100 से लेके 200 तक बन जाएगा, ठीक है। तो अब इसके अंदर 6 के मल्टीपल होंगे, ठीक है, और इसी तरह इसके अंदर भी मल्टीपल होंगे। अब ये हमने छोटा नंबर रखा है 100, अगर हम कोई बहुत बड़ा नंबर रख लेते हैं, ठीक है, लाइक हम 10,000 रख लेते हैं, 20,000 रख लेते हैं, तो वो वैल्यू बहुत बड़ी हो जाएगी और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि हम वहां पे इसको कैलकुलेट करना जो है वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं रहेगा। सर अभी भी जब 100 हमने रखी है तो ये कैलकुलेट करना पॉसिबल तो नहीं? अगर 15 रखें तो 15 के अंदर यानी कि 100 से लेके 115 तक दो मल्टीपल आते हैं, दो मल्टीपल आते हैं, सिक्स के सिक्स सिक्स, यानी कि हाँ, एक सौ 9 छः का और वन एक सौ आता है, बारह 9 का 1 आता है, तो इस तरह से यानी कि 6 के ज़्यादा होंगे ना जनरलाइज उसे करें तो। लेकिन अगर बहुत बड़ा नंबर रखें, ठीक लेकिन है, सर देखें 15 तक रखें तो 15 तक मेरे पास 9 का एक मल्टीपल आएगा और 6 के दो आएंगे, तो यानी कि अगर इसी तरह से आप इन सेक्शंस को बढ़ाते जाएं, यानी अगर 20 रख लेते हैं तो 9 के दो आएंगे और उसका 3 आ जाएंगे 6 के, भी आ जाएंगे, ठीक तो यानी है, कि तो ज़्यादा ही ऐसा होंगे ना। एक्सीलेंट हो। हाँ,
ठीक है सर, ऐसे ही है इसका आंसर? इसका आंसर देख लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ए होगा, क्वांटिटी ए। नाइन, नाइन का डी है, इम्पॉसिबल टू डिसाइड। चलें इसको भी देख लेते हैं, हमने कौन सा देख, मतलब इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं नीचे जाके, या साथ ही देख लें, इसलिए साथ ही देख लेते हैं फिर ये स्किप ना हो। सर क्वेश्चन भूल जा रहे हैं। Every six integer, six integer multiple of six, and every ninth integer is the multiple of nine. So in large interval, there will be many multiples of six, but in very small interval, there might be none or possibly just one of each. Use the axiom that x is equal to one and no multiple of six and nine when plus a to a large number before x. Eliminate choice C. Yes, sir. यानी कि वो कह रहे हैं कि x की तो कुछ value भी हो सकती है, वो हो सकता है वो six ले तो एक आए। इसकी समझ आ गई जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको? जी सर। ओके ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने कोई फिक्स अमाउंट पकड़नी है कि ए ग्रेटर है या बी ग्रेटर है, तो हम अगर बड़ी छोटी को वैल्यू करते हैं तो वहां पे वैल्यूज जो फ्लक्चुएट हो रही हैं, ठीक है, तो इसलिए वो उसको डी कर रहा है कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन। और इसी तरह अब ये x प्लस y इज इक्वल टू 5 आ गया और y माइनस x इज इक्वल टू माइनस 5, ठीक है, तो ये हम किस तरह करेंगे कोई बताएगा? इसको अगर हम लॉजिकली देखें, ये दो इक्वेशन है, x x के साथ क्रॉस हो जाएगा और 5 जो है वो 5 के साथ, और y हमारे पास क्या बच जाएगा, 2y is equal to 0 और y is equal to 0 हो जाएगा, तो इस पे लगेगा टैक्टिस 4, ठीक है, कुड दे बी इक्वल, ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, अगर आप लोगों के माइंड में कोई और चीज आ रही है तो आप भी बता सकते हैं। डी ऑप्शन बी, बट मेरे जो टैक्टिस है जो मैंने अप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग जो है वो बन रहा है मेरे पास डी, राइट, डी ही बन रहा है मतलब मेरे पास इसका, बट नहीं सी, मेरे अकॉर्डिंग इसका सी बन रहा है कि पहला ऑप्शन था ना कुड दे बी इक्वल, ठीक है, कि क्या ये इक्वल हो सकते हैं, यस इक्वल हो सकते हैं, अगर वाई की वैल्यू हम जीरो पुट करें तो दोनों क्वांटिटीज इक्वल होंगी, ठीक है, तो पहला यस हुआ तो जी सर ये मुझे समझ नहीं आई, आप यानी कि क्वांटिटी ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं ना, तो वाई की वैल्यू अगर चेंज हो तो जीरो तो कौन सा, ये कांस्टेंट है, ठीक है, बट अब देखें कि उसमें कुड दे बी इक्वल, तो हमारा जो ए और बी है वो एलिमिनेट हो गया, ठीक है, ए बी एलिमिनेट, पीछे सी और डी बच गया, ठीक है, मस्ट दे बी इक्वल, ठीक है, उसमें नो आ रहा है फिर हमारे पास, तो हाँ वाई की वैल्यू जो है वो माइनस भी हो सकती है, तो सर डी ऑप्शन बनता है, ऑप्शन चलें इसको भी देख लेते हैं, ओके सी आ रहा है इसमें, अरे यहां पे हमें वैल्यू डिफाइन तो नहीं की ना उन्होंने, सर ये मुझे इस तरह नहीं समझ आ रहा कि ये देखें ऊपर इक्वेशन दिया x plus y equal 5 और y minus x equal 1 minus 5 और नीचे क्वांटिटी a और b, यानी कि किस तरह ये क्वांटिटीज ऊपर वाली इक्वेशन से किस तरह कंपेयर हो रही है, हमने वहां से y की वैल्यू निकाल ली ना इन दोनों में से, हमारे पास मतलब निकल रहे ना, अब हम यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग y की वैल्यू, हाँ ये क्लियर हो गया मुझे कि y की वैल्यू यहाँ से एग्जैक्ट जीरो निकल रही है, तो ये फिक्स वैल्यू है इसकी, हाँ फिक्स वैल्यू होगी,
यस सर एग्जैक्टली समझ आ गई तूबा आपको इस बात की या लारेब और इकरान जी सर ओके अब वहां वाई की वैल्यू फिक्स होगी तो वो हमारा टेक्स्ट है जिसके अंदर कुड दे बी इक्वल एंड मस्ट दे बी इक्वल वो तो वो सेटिस्फाई कर रहा है दोनों में तो इसका ऑप्शन सी होगा ये क्लियर हो गया ठीक हो गया ओके नेक्स्ट हमारे पास है जी ये हां पे सर वो ऊपर वाला क्वेश्चन एक मिनट खोल लियो फर्स्ट करें सर ये अगर x हो जाता क्वांटिटी b की जगह इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है तो उस केस में क्या होता x हो जाता तो x की वैल्यू तो हमारे पास कोई थी ही नहीं मतलब यहां से इस सिचुएशन से मेरे पास x की वैल्यू नहीं निकल रही थी तो वो ऑब्वियस बात थी कि अगर हम बट उसके लिए x और x या y हमें वो दोनों इक्वेशंस हैं या दोनों क्वांटिटीज को वेरिएबल के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्वल करना पड़ना था उसने हमें अगर y और x होता तो हमें इसको भी एक्स वाई स्क्वायर के साथ और बल्कि हाँ वो इक्वल करना थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम हो जाता डिनोमिनेटर और उसके रूल्स वगैरह वहां पे आ जाते हैं उसमें ठीक है तो बट मुझे लगता है कि उसका ऑप्शन जो है वो डी होता क्योंकि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो कभी भी हम इक्वल नहीं पुट कर सकते थे क्योंकि इस इक्वेशन से हमारे पास सिर्फ वाई की वैल्यू आ रही थी एक्स की वैल्यू हमारी दी हुई नहीं है तो हम उसमें अपने पास से कोई भी वैल्यू पुट करके देखते तो 1-1 0 या 10 100 पॉजिटिव में नेगेटिव में कोई भी नंबर पुट करके देखते तो शायद वो बी ऑप्शन उसका होता क्या ख्याल है yes, sir, मेरा भी यही ओके अच्छा ये आगे क्वांटिटी ए इज ग्रेटर और क्वांटिटी बी इज ग्रेटर तो बड़ा इजी से सर क्वांटिटी बी क्वांटिटी बी कैसे सर यहाँ पे कौन सा वैल्यूज दी है सिंपल हमने यानी कि 5 उसका मतलब पावर है तो वो ग्रेटर ही होगा एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही हमें ऑप्शन डी तो स्ट्रेट वे हमारा इलिमिनेट हो गया क्यों फिक्स्ड वैल्यूज है ठीक है उसके बाद हमारा जो टेक्टस लग गया डोंट कैलकुलेट जस्ट कंपेयर तो ये हमें पता लग रहा है कि 7 की पावर 5 और 8 की पावर 5 मतलब उसके पावर में वैल्यूज जा रही हैं फिक्स हैं तो ऑब्वियसली जो क्वांटिटी बी है वो ग्रेटर होगी हमारे पास 11 का देख लेते हैं ये है जी आसिफ इसको जरा एक्सप्लेन कीजिएगा मैं एक मिनट में आ रहा हूँ ओके ये कह रहे हैं कि 7 डिवाइडेड बाय 8 का आंसर अगर 1 से लेस आता है तो यानी कि इससे आप इस तरह समझ सकते हैं 0.1 बड़ा होता है या फिर 0.01 बड़ा होता है ऑब्वियसली 0.1 बड़ा होता है ना तो बिल्कुल यानी कि 7 बाय 8 का आंसर जो है वो आपका पास आता है लेस आता है यानी कि 7 को 8 हिस्सों के अंदर डिवाइड करें तो हर हिस्से के अंदर एक से कम चीज़ आएगी ना तो उस चीज़ का अगर आप स्क्वायर लेंगे तो वो और ज़्यादा छोटी हो जाएगी तो इस वजह से इसका जो सही ऑप्शन बनता है वो ए ऑप्शन बनता है यानी कि 0.1 बड़ा है 0.01 से इस चीज़ का आपने ख्याल रखना किसी को कोई कंफ्यूजन है इसका नो क्लियर है जी हो गया एक्सप्लेन यस सर मैंने किया है अगर आप पूछ रहे हैं किसी को पहले दोबारा से रिवाइज करें एक बार सर मैंने ये लॉजिक लगाई है कि आपके पास अगर एक चीज़ है 7 चीज़ें हैं उन्हें 8 हिस्सों में डिवाइड करना है तो हर हिस्से के अंदर एक से कम चीज़ आएगी ना ठीक है तो
उस केस के अंदर फर्ज करें आपके पास 0.1 आ जाता है, तो 0.1 का स्क्वायर लें तो इसका आंसर क्या आता है 0.01। तो 0.1 जो है ये बड़ा होता है 0.01 से, तो इस वजह से 7/8 बड़ा होगा 7/8 की पावर 5 से। सही है, ये लो। अच्छा दूसरा जो मेरा इसमें कॉन्सेप्ट था ना वो ये था, जो मतलब मुझे बाद में समझ आया एक बार मेरा आंसर गलत होने के बाद, आपके सामने भी गलत हुआ, कि डिनोमिनेटर में जितना बड़ा होता जाएगा उतनी उसकी वो डिक्रीज होती जाएगी वैल्यू। यस सर, इसकी एक और लॉजिक ये मेरे जहन में आई है ना, कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर में नंबर न्यूमिनेटर से बड़ा है तो इसका आंसर है कि यानी कि पावर उसकी जितनी मर्जी ले ले वो छोटा ही होता जाएगा, छोटा ही होता अगर जाएगा। आपके पास वो इक्वल है तो वो वन के इक्वल आएगा, लेकिन अगर वो नंबर छोटा है तो फिर आपके पास जो है ना वो कॉन्सेप्ट आपके चलेगा। अगर यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 0.1 आ रही है, ठीक है, इस केस में, तो इस केस में 0.1 आई और उसकी फिर फिफ्थ पावर है, ठीक है, तो ये नंबर ज्यादा छोटा हो जाएगा। क्लियर हुआ? ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आसिफ ये आप हमें करवाएंगे, 11, 12, 13 वो रह गए फिर आगे। O is the center of the circle of radius 6 or OX, YZ is a square. Area of a shaded region or 12. मतलब ये वाला जो पार्ट है, जो दो राइट ट्राइंगल्स बन रही हैं, इनका एरिया और 12 जो है वो हमने कैलकुलेट करना है। उसने वैसे की क्वांटिटी दे दी है, फिक्स्ड क्वांटिटी दे दी। सर मेरे ख्याल से ये 12 डायमीटर है ना, यानी कि x की यानी a से 0 तक की लेंथ वो 6 है और 0 से b तक की लेंथ 6 है। हमने इन डायग्राम्स के ऊपर रिलाई नहीं करना पैमाइश के हिसाब से, ठीक है, ये इनकी पैमाइश गलत भी हो सकती है। ये बुक का सबसे पहला रूल है, किस बुक का और जी आर ई टेस्ट का भी, अगर कहीं पे आपको टोटली डायग्राम के ऊपर रिलाई करना पड़ रहा है तो आप सिंपली रफ पेज के ऊपर अपनी डायग्राम ड्रॉ कर लो। तो सर यानी आपके यानी ये क्वेश्चन जो है ये इस डायग्राम से रिलेटेड नहीं है? है ना, इसी डायग्राम से रिलेटेड है, लेकिन हमें विजुअली शायद नजर आ रहा है कि इसका जो ये जो पार्ट है ये भी 6 है, ठीक है, बट क्या पता बोकू वाले ने इसको डिफरेंट किया हो। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो सर इसमें सर्कल पूरे का एरिया निकालें पाई आर स्क्वायर से, उसे चार हिस्सों में डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा अगर वो 12 से अगर छोटा बड़ा है तो फिर तो। बट हमने शेडेड रीजन का जो एरिया है वो निकालना है, एक क्वार्टर का नहीं, ये जो शेडेड एरिया है इसका। यस सर वो ठीक है, लेकिन ये दूसरी क्वांटिटी जो है ये 12 है ना, शेडेड एरिया का। हाँ ये हो सकता है, ये काम हो सकता है कि हम इस क्वार्टर पूरे का मतलब हमें वो निकल आएगा, मतलब उसको 4 पे डिवाइड करेंगे, ये क्वाड्रेंट पूरा जो है इसका एरिया निकल आएगा हमारे पास, और फिर उसके अंदर से हम स्क्वायर का एरिया जो है, क्योंकि एक साइड जो है वो अगर हम इसको 4 कंसिडर करें, ठीक है, तो इसका स्क्वायर अगर मतलब स्क्वायर का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देते हैं उस एक क्वाड्रेंट या एक क्वाड्रेंट के एरिया में से। यस सर, अगर वो 12 के इक्वल आता है फिर तो इक्वल होगा बड़ा छोटा, फिर तो इक्वल होगा बड़ा छोटा होगा। ये थोड़ा कैलकुलेशन वाला काम, हां कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा काम है। यस सर, थोड़ा फौरन इसे दिमाग में करते हैं, यानी कि 6 है ना इसका, तो यानी ये 36 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 3.14, 36 को 4 से डिवाइड करें तो क्या आंसर आता है? नहीं बन गया ना टोटल एरिया 18.84 बन गया ना। यस सर, ये आपको यानी कि मैं 4.71 बन गया एक, यानी कि चले सर आप कैलकुलेटर पे कर रहे हैं, मैंने इसे 36 पाई एरिया है ना हमारे पास, तो 36 पाई, सॉरी मैंने सिंपल 6 से मल्टीप्लाई किया इसको। यस सर, 6 स्क्वायर से नहीं मल्टीप्लाई करना था, 36 पाई एरिया आ गया, 36 को 4 से डिवाइड करें क्या आंसर आता है हमारे पास? 8 पाई। यस सर, यानी कि एक क्वाड्रेंट 28, हां 28.26 आ रहा है, ठीक है सर, यानी कि इसे 4 से डिवाइड करें तो फिर उसका एक
मतलब हमारे पास जो एक क्वाड्रेंट है ना उसके एरिया 28.26 आ रहा है। लेट्स सपोज के ये जो ये स्क्वायर है ना, तो लेट्स सपोज के ये यूनिट स्क्वायर है, ठीक है, तो इसका एरिया कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 इसका एरिया हो गया, 2 हो जाएगा इसका मतलब एरिया। ओके, तो 28 में से 2 निकालें तो हमारे पास क्या आता है? 6.26। 28 अगर एक उसका है तो इसमें से 2 निकालें तो हमारे पास 26 आता है ना, 26.26। तो इस केस में क्वांटिटी ए बड़ी हो रही है। लेकिन अगर देखें कि यहाँ पे हमारे पास 4, अगर इसको अगर हमारे पास लेट्स सपोज के बी ऑप्शन, ये टोटल 6 है, टोटल 6 है, अगर हम इसको थोड़ा सा अगर रफ एस्टिमेट भी लगाएं तो 4 के हिसाब से अगर करके देखें तो यस सर, वो उस तरह से 4 के हिसाब से करके देखें तो इसका एरिया 4 तक 16 आ जाएगा। 28 में से माइनस करें 16 तो 12.26 आ गया, फिर भी क्वांटिटी ए ग्रेटर हो रही है। लेट सपोज इसका एरिया 5 हो जाता है, फिर वो ये क्वांटिटी बी जो है वो भी हो जाएगी। यस सर, डी ऑप्शन इसका मेरे ख्याल से। हां डी ऑप्शन, क्योंकि अगर हम इसको एक्स करते हैं एक साइड को, ठीक है, इसे देख लेते हैं। 12 डी मेरे 12 का पी है, पी ठीक है सर, बी चलें इसको देखते हैं। वैसे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है जो जिसने हमारा दिमाग खुला कर लिया। बट उसमें भी हमारी सपोजिशन एक्चुअली जो जो स्केयर है ना उसने हमें थोड़ा जलील किया। So O's at the side of square is इसमें फिर की फैक्ट। चले इस क्वेश्चन को सब लोग जरा अपने एंड पे देखिएगा, ठीक है, और बाकी ये जो क्वेश्चंस रह गए हैं इनको भी जरा देख लेंगे और इनको फिर अगली क्लास में डिस्कस करके हम इसके बाद जो है वो मूव करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करें आजिब, क्या कहते हैं? जनरल मैथ पे आ जाते हैं, ठीक है, टेस्ट इन टैक्टर्स और प्रैक्टिस वगैरह, और इसके बाद डिस्क्रीट क्वांटिटीज इन दो को देख लेते हैं और फिर डेटा इंटरप्रिटेशन पे आ जाएंगे। आई थिंक इसके अंदर जो है ना 147 में ये जनरल टैक्टिक्स उसने सिर्फ बताया है कि क्वेश्चन को करना कैसे। 147 सर, ये पहले 15 सवाल आते हैं क्वांट कंपैरिजन के, तो बाकी कौन से आते हैं? नहीं, पहले 15 नहीं होते, ये जैसे 15 तो होते हैं, 15 होते हैं, बाकी ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन के हो गए, डेटा एनालिसिस के थोड़े से, ठीक है, फिक्स क्वांटिटी नहीं है उनकी, डिस्क्रीट भी है ना, डिस्क्रीट क्वांटिटीज भी है, ये जनरल मैथ आ गया ना, इससे अगला पोर्शन जो है वो डिस्क्रीट क्वांटिटीज का ड्रॉ डायग्राम, इसके अंदर अब थोड़ा ज्योमेट्रिकल पार्ट है, ये वाला जो है ना पोर्शन जनरल मैथमेटिक्स वाला। सर ज्योमेट्री में आपको आइडिया लेना थोड़ा मुश्किल होता है, आइडिया हो जाए तो वो सॉल्व हो जाता है, सॉल्व हो जाते हैं, तो इसको हम देख लेंगे फिर। अगर ज्योमेट्री को थोड़ा सा डिले कर लें हम और हम डिस्क्रीट वैल्यूज वाला जो है वो देख लें, ये वाला जो है डिस्क्रीट क्वांटिटेटिव पोर्शन 169 वाले, क्योंकि क्वांटिटेटिव तो हमने कर लिया, डिस्क्रीट वाले को देख लेते हैं फिर, यही है। यानी कि सर सबसे बड़ा पोर्शन क्वांटिटेटिव में ये कंपैरिजन का आता है, बाकी सारे थोड़े थोड़े आते हैं, इक्वल है आई थिंक, क्योंकि 15 नंबर अगर ये है, हाँ सही है, तो मतलब माइनर थोड़ा सा है, अब ये है कि बाकी दोनों 12 13 के हो सकते हैं, क्या ख्याल है? टोटल 40 सवाल होते हैं, तकरीबन इक्वल वेटेज बन जाती है, वो वहां पे एग्जाम में बैठे होंगे ना तो कंपैरेटिव का हमें लग रहा होगा, अच्छा यार ये उसमें से भी हो सकता है, उसमें से भी हो सकता है, उसमें से भी हो सकता है, ठीक है, ये डेटा इंटरप्रिटेशन के सारे ग्राफ्स के अंदर से डेटा को रीड करके आंसर करना। और चले क्लास का टाइम ओवर हो रहा है तो डिस्क्रीट वाला जो है वो फिर हम कल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, डिस्क्रीट वाला आप लोग भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये डिस्क्रीट आ गया,
इसमें क्वेश्चन जो है वो जरा इंटरेस्टिंग होंगे, इक्वल सम ऑफ बी सी, या जैसे वो सीरीज वाले या इंटेलिजेंस के जो क्वेश्चंस होते हैं ये थोड़े उससे रिलेटेड होंगे। तो सेशन को एंड करते हैं फिर, तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड सी यू, बाय बाय।